हेलो भाइयों, तो मैं हूँ अंकित धाकड़। फ्रेम में जो आप देख गाड़ी देख रहे हैं ये महिंद्रा ग्रैंड जोर पी यू, जिसमें आप जगह जगह ब्लू एसेंट्स देख के आपको पता चल ही रहा होगा ये इलेक्ट्रिक वर्जन है। तो हालांकि इसमें आपको जो पेट्रोल और डीजल वर्जन भी मिलते हैं, जैसे अल्फा प्लस अल्फा उनके नाम से आपको मिलते हैं, तो इसमें आपको प्योर इलेक्ट्रिक वर्जन है। मतलब इसमें आपको ये क्या मिलता है उन सबके बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे। उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो अंकित धाकड़ चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पर आपको ऐसा जेन्युइन ऑटोमोबाइल रिलेटेड कंटेंट यहाँ पर आपको मिलता रहेगा। तो शुरुआत करें इसके फ्रंट से, तो ऐसा कुछ मिलता है इसका जो फ्रंट लुक है, तो आपको फ्रंट से देखने में काफ़ी अच्छा यहाँ पे नज़र आता है। इसमें आपको जगह जगह ब्लू एसेंट्स दिए, तो उस ब्लू एसेंट्स के जितने इसके जो लुक है वो काफ़ी अच्छे यहाँ पर बनकर आते हैं। तो पास में चलते हैं, तो पास में चलते हैं, सबसे पहली नज़र जो आपकी पड़ेगी वो पड़ेगी इसके ORVM पर। ऐसा कुछ देखते हैं इसके ORVM, जो कि अब बाहर बिल्कुल डंडी लगा के बाहर दूर माउंट किए हैं, ताकि आपके जो ब्लाइंड स्पॉट है वो कम से कम बन सके। यहीं पर मिलते हैं इसके जो टर्न इंडिकेटर्स, यहाँ पे आपको हेलोजन हेडलैम्प मिलता है, इसका सिंगल हेलोजन हेडलैम्प। यहीं पर आपको जो क्रोम ग्रिल यहाँ पे आपको दी गई, इसमें आपको 6 स्लॉट ग्रिल यहाँ पे आपको 6 ये मिलते हैं, और ब्लू आपको ये फ्रंट मड गार्ड यहाँ पे आपको ब्लू ही इसका मिलेगा। सिंगल वाइपर इसमें आपको मिलेगा, यहाँ पे आपको कोई भी डबल वाइपर नहीं दिए हैं कंपनी ने। तो यहाँ पे आपको नीचे इसके टायर साइज़ की बात कर लेते हैं। MRF के टायर मिलते हैं, जिनकी प्रोफाइल आपको मिलती है, इनकी प्रोफाइल अभी क्लियरली यहाँ पे विजिबल हो नहीं पा रही है, तो मैं आपको आपको यहाँ पे इस साइड से इनकी प्रोफाइल मिलती है आपको 4.5 बाई 10, तो मतलब 10 इंच का टायर इसमें आपको यहाँ पे दिया गया है। तो चलते सीधा इसके अंदर, अंदर के आपको मैं प्रॉपर बाहर से इसका लुक प्रोवाइड करा देता हूँ। यहाँ पे आपको जो ब्लैक लाइनिंग है इस साइड से उस साइड तक आपको कंटिन्यू मिलेगी। यहाँ पे ऐसा कुछ मिलता है इसके जो विंडो पे, आपको जोर ग्रैंड पी यू की ब्रांडिंग मिल जाएगी। यहाँ पे आपको मिलता है इसका जो डोर ओपनर वो मैप मिलेगा आपको, और ये चीज़ें आपको यहाँ पर दी गई है। ऐसा कुछ मिलता है इसका जो क्लियर व्यू, यहाँ पे आपको जो 5.5 फीट की समथिंग की जो उसकी जो ट्रॉली साइज़ है आपको यहाँ पे मिलती है, उसकी जो पेलोड कैपेसिटी है वो आप अपने स्क्रीन पर देख ही सकते हैं। तो अब नीचे दिखाता हूँ आपको इसमें आपको पीछे क्या क्या मिलता है। तो यहाँ पे आपको मिलेगा इसका जो मड गार्ड है, ये भी आपको नज़र ब्लू में मिलेगा। तो ज़्यादातर इसमें ब्लू एसेंट्स आपको बहुत जगह जगह यहाँ पे आपको मिलने वाले हैं। तो रियर से देखने में ऐसा कुछ ये नज़र यहाँ पे आता है, बीच में महिंद्रा का लोगो मिलेगा, नीचे टेल लाइट मिलेगी, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपको इसमें मिलती है। टेल लाइट का डिज़ाइन है महिंद्रा की, ज़्यादातर कमर्शियल में सेम ही यही वाली टेल लाइट आपको कंटिन्यू मिलती है। यहाँ पे आपको मिल जाती है नीचे नंबर प्लेट के लिए जगह, यहीं पर आपको बीच में महिंद्रा का लोगो मिलेगा। तो ऐसा कुछ यहाँ पे आपको मिलता है क्लियर व्यू पे, आपको सब कुछ चीज़ें यहाँ पे आपको नीचे इंजन की जो मोटर है आपको नीचे प्लेस मिलेगी। इंजन तो उसमें आपको मिलता नहीं है, तो मैं आपको बोलता रहा हालांकि, लेकिन उसमें आपको इंजन मिलता ही नहीं है, मैं आपको बाय मिस्टेक हो जाता अभी। तो यहाँ पे आपको जो पेलोड कैपेसिटी की आपकी स्क्रीन पर शो हो ही रही होगी, ये सब कुछ यहाँ पे आपको पीछे से इसका व्यू मिलता है, जो कि मैं आपको भी दिखा चुका हूँ। पीछे आपको क्वार्टर पैनल मिलता है, ताकि आप अपने कार्गो पर नज़र रख सकें। अब चलते हैं सीधा अंदर, अंदर आपको क्या क्या मिलता है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो ऐसा कुछ मिलता है इसका डोर पैनल, डोर पैनल आपको पूरा आपको बिना इसमें आप कुछ भी यहाँ पे कुछ भी नहीं मिलेगा। यहाँ से आप इसका डोर यहाँ से ओपन कर सकते हैं, यहाँ पे आपको थोड़े से इंस्ट्रक्शन वगैरह यहाँ पे आपको दिए गए हैं। इसका विंडो यहाँ से आपकी खुल सकती है, यहाँ पर आपको मिलता है, और इसको यहाँ से आप इसको जो लोग अनलोग यहाँ पे आपको इसका मैकेनिज्म है ऐसा कुछ यहाँ पे आपको मिलता है। आप चलते सीधा अंदर, अंदर यहाँ पे आपको उसकी बैटरी वगैरह यहाँ पे आपको मिलती है। अंदर बैठते हैं सबसे पहले, तो अंदर बैठते से यहाँ पे आपको इसकी सीटें छोटी सी यहाँ पे आपको मिलेगी, इसमें 2 जनों की स्पेस आपको मिलती नहीं, हालांकि आपको थोड़ी प्रॉब्लम आएगी, लेकिन आप बैठते हैं। देखो जब मैं आपको प्रैक्टिकल बात में आपको बताता हूँ, जो कंपनी बताती है उसमें तो आपको कंपनी तो बोलती है सिर्फ एक सिंगल सीटर है, तो वो चीज़ मानते नहीं है लोग, तो प्रैक्टिकली बात करते हैं। बोलेरो को 7 सीटर बताते हैं, लेकिन लोग 8-8, 9-9 भी बैठ के उसमें चले जाते हैं, तो वो प्रैक्टिकलिटी वहाँ आती है। मतलब जैसे भी कंपनी क्लेम कुछ करती है तो प्रैक्टिकली कुछ और ही निकल के आता है, तो वो चीज़ मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। यहाँ पे इसका जो ग्लव बॉक्स है सब यहाँ पे मिलता है, थोड़ी सी स्टोरेज स्पेस इसमें मिलेगी, तो सब चीज़ें वो आपको बता ही रहा हूँ। इसको करते हैं लोग खो नहीं रहा है बाई चांस रीजन की वजह से, इसको छोड़ो ये सब कुछ मिलता है। इसका जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, इसको भी मैं ऑन करके आपको दिखाता हूँ। ये बाइक इसी रीज़न की वजह से यहाँ पे ऑन नहीं हो पा रहा है। यहाँ पे आपको सारे वाइपर और पार्किंग के सारे कंट्रोल यहाँ पे आपको मिलते हैं। इसमें आपको क्लच वगैरह कुछ भी यहाँ पे आपको नहीं मिलता, क्योंकि इसमें आपको गियर ही नहीं मिलते, तो क्लच का कोई इशू बनता ही नहीं। यहाँ पे आपको जो फ्रंट रिवर्स से सारे मिल जाते हैं, तो इसमें आपको 2 मोड मिलते हैं, ये कुछ उनके मोड होंगे। और यहाँ पे आपको इसका IMX मिल जाता है, जिससे आपकी जो ट्रैकिंग वगैरह आपको लोकेशन वगैरह आपको पता इसकी लोकेशन वगैरह आपको पता चलती रहती है। एक्सेलेटर ऐसा कुछ मिलता है इसका, तो महिंद्रा की ब्रांडिंग भी आपको एक्सेलेटर पर इन्होंने दी है। कोई सनवाइजर वगैरह कुछ भी आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा इसमें, आप सब कुछ मिलता है। इसकी जो लाइट है वो भी की बस हटा रखी है, मैंने तो इस वजह से चलेगी नहीं। यहाँ पे आपको स्पीकर के लिए जगह मिलती है, लेकिन स्पीकर वगैरह यहाँ पे आपको मिलते नहीं है। कुछ यहाँ पे उसका पार्ट पड़े हैं, तो वो यहाँ पे मैं आपको बाद में बताने वाला हूँ। इनसे स्पेयर व्हील, इसकी स्पेयर व्हील की प्लेसमेंट बिल्कुल यूनिक से नीचे इन्होंने की है। तो अब चलते हैं सीधा बाहर, और मैंने बात करते हैं इसके इंजन स्पेक्स की, सॉरी बैटरी स्पेक्स की। तो अब मैं बात करते हैं इसके बैटरी स्पेक्स की, तो इसके जो बैटरी स्पेक्स है वो आप अपने स्क्रीन पर देख ही सकते हैं, और ये कितनी रेंज प्रोवाइड करेगा ये भी मैं आपको स्क्रीन पर शो
कर चुका हूँ। तो यही कुछ था वीडियो, तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं। इसी तरह की और वीडियोज़ देखने के लिए अंकित धाकड़ चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद, थैंक यू सो मच।